Read in class 9, section B, subject maths, exercise 6.3, question 2. Question 2 में यह figure दिया गया है, रहा है y x z angle जो है 62 है और x y z angle 58 degree है. हमको यहाँ पर find करना है angle o y z, o z y और y o z, जिसमें o y z find करने के लिए नहीं कह रहा है, फिर भी हमें find करना पड़ेगा. बिना उसके फाइंड करे वाई ओ जेड की वैल्यू फाइंड नहीं होगी. ग्रीन फिगर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180. आप जानते हैं ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, तो वही लगा दिया गया सम इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. देन 54 प्लस 62, क्योंकि पूरा एंगल 62 है या 54 है, तो 54 प्लस 62 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180, इसको ऐड करने पर 116 हुआ, प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180, एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 116. यह एंगल जो है उसको दो एंगल से बना है, एक्स वाई ओ से बना है. यह है एक्स जेड ओ से बना है, वाई जेड वाई वाई से बना है, यानी इसको इसको जोड़ करके वह एक्स जेड वाई होगा. तो हमने इसे टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक्स जेड ओ प्लस एंगल ओ जेड वाई इस पर तो 64, और यह दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए इक्वल है क्योंकि यह ओ बी ओ जेड दिया है और ओ वाई को दिया है कि बाई सेक्टर है एंगल वाई और जेड के. तो यह एंगल जो चेंज हो गया ओ जेड वाई प्लस ओ जेड वाई, क्योंकि यह भी ओ जेड वाई के बराबर है, बाई सेक्टर है वहां पर, तो टू ओ जेड वाई इक्वल टू 64 डिग्री. एंगल वाई ओ जेड वाई इज इक्वल टू 64 बाई 2 इज इक्वल टू 32 डिग्री. यह एंगल 32 डिग्री आ गया, यह बना 32 हो गया. नाउ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54, अब यह 54 दिया गया है, 54 हो गया 32 और यह 54 दिया गया है, और इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू एंगल में, एंगल एक्स वाई ओ प्लस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54. इसे भी फिर एक्स वाई ओ जो है ओ वाई जेड के इक्वल है, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54, तो एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 54 अपॉन 2 इज इक्वल टू 27. यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि ओ आई इज द बाई सेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड. नाउ ट्रायंगल ओ वाई जेड, अब यह है इस ट्रायंगल में देखते हैं, यह 27 आ गया, 32 था, तीनों एंगल जोड़ दिए गए, ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180. यह है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल मैंने बना दिया, ट्रायंगल नहीं था. तो 27 प्लस 32 प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180, और इन दोनों को ऐड करने पर आ गया 59, 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड 180, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 59 इज इक्वल टू 121. तो आपको एंगल आ गया वाई ओ जेड 21 डिग्री, और यह एंगल कह रहा था ओ जेड वाई जो 32 आया. यह तो हमें निकालना पड़ा, इसके लिए उसने कहीं कहा नहीं था, फिर भी. अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन थर्ड, जिसमें एक
फिगर दिया गया है क्वेश्चन फोर का, और वह क्वेश्चन थर्ड का जो फिगर है वह है इस तरीके से बना हुआ। ये क्वेश्चन थर्ड का फिगर है, यहां जो नेम दिए गए हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी बी ई, एंगल दिया गया है ए वाला एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू 35, यह है 35, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 53। क्वेश्चन में भी दिया गया है कि ए बी डी ई पैरेलल लाइन है, अगर ए बी डी ई पैरेलल लाइन है और कोई एंगल दिए गए हैं, एंगल डी सी फाइंड करना है, डी सी ई यह एंगल मुझे फाइंड करना है क्योंकि, तो इसके लिए हम पहले यह एंगल फाइंड करें। तो हम लिखते हैं इन फिगर AB parallel D दिया गया है, then angle BAE, BAE माने एंगल A, is equal to angle AED, और चूंकि इसकी वैल्यू दी गई है BAE की, तो यह हो गया इज इक्वल टू 35 डिग्री, और यह अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल से हुआ। आप जानते हैं पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काटती है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है क्योंकि ऐसा फिगर है और ऐसा मिला हुआ है, तो यह ट्रांसवर्सल हो गया ए, ए बी और डी ये पैरेलल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल जब पैरेलल को काटती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं और ये इंटीरियर एंगल होते हैं पैरेलल लाइन के अंदर। फिर रूल लगाते हैं इन ट्रायंगल सीडी, सीडी में क्या है एंगल सीडी प्लस एंगल डीसी प्लस एंगल CED is equal to 180. A angle some property of triangle. Angle some property of triangle. Of triangle. इसमें हमको दो एंगल पता है, सी डी पता है, सी डी है 53 डिग्री, डी सी हमको नहीं पता है, एंगल डी सी, और यहाँ गिवन दैट एंगल सी डी, सी ई डी जो है वह एंगल ए ई डी भी है, और जिसे हमने 35 डिग्री यहाँ दिखाया है, ये हो गया 35 इज इक्वल टू 180। यहाँ ये लाइट टर्म है 53 और 35, इसे ऐड करते हैं 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस एंगल डीसी
equal to 180. Angle DCE is equal to 180 minus 88. माइनस करिए आपको आंसर मिल जाएगा 0 माइनस 8 करना है तो यहां 12 लेंगे 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 यहां 17 रिमेंस बचा 17 माइनस 8 इज इक्वल टू 9 9 टू 2 डिग्री बाय रूट है डीसी की अगला फिगर है जिसमें क्वेश्चन दिया गया है हुआ है एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 है इसमें फिगर है यह एक स्ट्रेट लाइन है और इसके इधर और इधर एंगल बने हुए नाम नेम दिया गया है ए टी एस इधर नेम दिया गया है पी टी क्यू PPQ एंगल गिवन दैट एंगल APT इज इक्वल टू 95 एंगल PAT इज इक्वल टू 40 डिग्री ये 40 है एंगल TSQ इज इक्वल टू 75 डिग्री ये तीन एंगल्स दिए गए हैं हमें जो फाइंड करना है एंगल यस क्यू टी फाइंड करना है एस क्यू टी फाइंड करने के लिए पहले ट्रायंगल पीएटी में देखें इन ट्रायंगल पीएटी एंगल पीएटी प्लस एंगल एपीटी प्लस एंगल पीटीए इक्वल टू 180 यहां रूल लगा एंगल सम प्रॉपर्टी या ट्रायंगल एंगल्स सम प्रॉपर्टी या ट्रायंगल इसमें एंगल पता है 95 है और यह भी पता है 40 है यह एंगल PTA नहीं पता है तो एंगल PTA रखते हैं इक्वल टू 180 इसका सम होगा 40 95 और 40 का 135 और इसमें ऐड करें एंगल PTA इक्वल टू 180 एंगल PTA इज इक्वल टू 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45 डिग्री एंगल आ गया 45 पीटीए बट लेकिन एंगल पीटीए आप देखिए इसके इक्वल है पीटीए इज इक्वल टू एंगल क्योंकि यहां PQ और AS स्ट्रेट लाइन है जो एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही है टी पर तो यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है जो कि इक्वल होते हैं आपस में इज इक्वल टू 45 और ये तक मिल दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसे अब इस ट्रायंगल में भी टू एंगल आपको पता चल गए ये 45 हो गया
तो हम फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल रूल अप्लाई करते हैं, फिर लिखते हैं ट्रायंगल टीएसपी, एंगल टी एस टू प्लस एंगल एस टी टू प्लस एंगल एस टू टी इज इक्वल टू 180. इसमें वैल्यू दी गई है 75 और यह आया है 45 प्लस एंगल एस टू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको ऐड कर लें तो हो गया 0.55, ऐड करने पर और कैरी 1 आया, 7 + 4 = 11 होता है और प्लस कैरी 1 भी ऐड करेंगे तो 120 हो गया. 120 प्लस एंगल यस क्यू टी इज इक्वल टू 180, एंगल यस क्यू टी इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री. आपका आंसर मिल गया 60 डिग्री है. अब आगे क्वेश्चन है 5. क्वेश्चन 5 में एक अदर फिगर दिया गया है. क्वेश्चन 5 होगा, ध्यान दें, उसका फिगर जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि पी टू और पी एस एक परपेंडिकुलर लाइन है जिसका फिगर इस तरीके से दिया गया है. क्वेश्चन 5, यह है पी क्यू और यह है पी एस. यह एस आर आर है और यहां से इसे ज्वाइन किया गया है. वाई से क्यू से एस को भी ज्वाइन किया गया है. एंगल दिया है वाई और यह दिया है एक्स. ये दिया है 28 और यह दिया है 65. हमको निकालना है एंगल यक्स और वाई. यक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. यह परपेंडिकुलर है तो 90 है, पहले से पता है. इसमें हम एंगल यक्स निकालते हैं. यहां देखिए पी क्यू और एस आर ये पैरेलल लाइन है जा रही है. इसमें पी क्यू एस आर पैरेलल लाइन दिया गया है और एक परपेंडिकुलर दिया गया है और यह है इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है. इसलिए जो 65 है ये पूरे एंगल के इक्वल होगा. जब पूरे एंगल का इक्वल होगा तो आप यहां देख सकते हैं एंगल इंटीगर एंगल यक्स प्लस 28 इज इक्वल टू 65 अल्टरनेट एंगल. एंगल्स तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 65 माइनस 28 आ गया. यहां 7 यहां आ गया 3.
37 डिग्री एक्स की वैल्यू। हमें वाई फाइंड करना है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। नाउ इन ट्रायंगल ईएसक्यू, ईएसक्यू में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इसकी दोनों की वैल्यू बता, जिसमें यह 90 है और यह सभी फाइंड किया है 37, तो 37 प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 और इन दोनों को ऐड करके उधर ले जाए तो 127 हो गया, इज इक्वल टू आ गया 353 डिग्री। टुडे रीड इन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 2, 3, 4 and 5। द एंड एक्सरसाइज 6.3।